बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बना रहे हैं साग। ये एक ही स्टोर है यहाँ पे जहाँ पे आपको ये मिलेगा, फ्रोजन साग है। पहली दफ़ा हमने लेके आया बनाया, लेकिन आप मैं देखा बता दूँ आपको भी कि यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन ये एक ही स्टोर है, इसका नाम है शॉपराइट सुपर मार्केट है, ओनली वहाँ से आपको मिलेगा ये फ्रोजन साग। सो हमारे पास दो पैकेट हैं, ये तकरीबन एक जो बैग है एक पौंड का है, 450 ग्राम का। सो दो बैग ये हैं साग के हमारे पास, ये लिया। एक है हमारे पास से पालक चाप की हुई पहले, ये भी इसी ब्रांड का है, इसी स्टोर से है। और ये एक बैग है हमारे पास ब्रोकली का। सो इन सबको ओपन कर लेते हैं और इसमें डालते हैं पानी में। हमने ओपन कर लिया बैग सारे को। पानी हमने डाल लिया इसमें। बिस्मिल्लाह करते हैं, आग को ऑन करते हैं। अभी दादा मान हमेशा गलत पे ऑन करता हूँ। इसको ये लिया ब्रोकली का एक पैकेट, ब्रोकली ड्रॉप साग है जो उसको ब्रोकली ड्रॉप कहते हैं वैसे यहाँ इंग्लिश में। तो ये दूसरा गैस में, ये फ्रोजन है, हम बनाते हैं, बहुत मजे का बनता है। मैं सोचा स्पेशली इन USA और कनाडा में इतनी शॉपराइट सुपर मार्केट है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये चाप ब्रोकली है एक पैकेट, और ये चाप की हुई पालक है स्पिनच, ये द 1 pound बैग ऑल ऑफ देम, यह ऑन साइज से दिस वन इज 20 ounce जो पालक है, सो लिटिल बी मोर देन 1 pound। बाकी जो है वो ये भी 20 का जो ब्रोकली और जो साग के हैं वो 1 pound के बैग है दोनों। अगर कोई भी यहाँ पे कनाडा USA में रहते हैं, पाकिस्तानी इंडियन जो साग को पसंद करते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये फ्रोजन है, बनाएं इसको, टेस्ट करें, बहुत मजे का बनता है ये भी। हमने इसको डाल लिया अच्छे से, थोड़ा कोशिश करें कि पानी में डुबो दें सारा। और ये तकरीबन टेक लाइक 1 hour सो, या एक तकरीबन घंटा सवा घंटा लगेगा इसको, शायद ज्यादा लग सकते हैं। ये आई मीन लॉन्गर यू कीप इट मोर बेटर, बट प्लीज 1.5 प्लस यू नो। ये सो वन बाय वाइफ से 2 hours सो बी मोर बेटर, जितने देर रखेंगे जब ये रंग कलर चेंज होगा साग का, तो आपको चल जाएगा कि ये तैयार है अभी। उसके बाद का प्रोसेस जो है ना वो भी आपको साथ साथ बता देंगे। साग में हमने पानी निकाल लिया, अब इसको वापस रख दिया, आग डालेंगे। ओके, आग थोड़ी लो कर लेंगे, बेसिकली ज्यादा नहीं है। इसमें डालेंगे दो ग्रीन पेपर है हमारे पास, ये गया। आप गोटने से बता, लेकिन ये जो फ्रोजन है ये थोड़े बड़े पीस होते हैं, तो हम यूज करेंगे हैंड ब्लेंडर इसके लिए। और इसको बड़े एहतियात इस्तेमाल करना है, नीचे डाल आकर तो फिर इसको इस्तेमाल करना, क्योंकि ये देखिए इससे ना मैस बहुत पड़ता है, तो बड़े एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ेगा इसको। देखें इतना जल्दी होता है, एक तो आसान है, दूसरे जो बड़े चांक होते हैं इसमें फ्रोजन के, जो जल्दी वो आप उसको ना घोट सकते हैं। तकरीबन 1 minute हो गया हमको इस करते हुए, बस 1 और मिनट लगेगा और ये साग आपका अच्छे से घोट कर देगा। ये देखें तकरीबन 2 मिनट हो गए और आपका जो साग है बिल्कुल मलाई जैसे हो गया है। ये ब्लेंडर है, हैंड ब्लेंडर, इसमें बहुत ही जबरदस्त काम हो जाता है आसानी से और फैस। अभी इसमें डालेंगे हम मक्खन, बटर, अच्छा बटर नहीं मक्खन ही है, देसी घी में मेल्ट कर लिया है। तकरीबन 400 ग्राम होगा ये हमारे पास जो है देसी घी है। 1 pound मक्खन था, उसको मिक्स करने के बाद ना, गर्म करने के बाद जो घी बना वो तकरीबन 400 ग्राम हो जाता है आपके पास। ये गया, और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे ये मसाले हमारे पास 4 हैं, कुटी हुई सुरह मर्च है और कुटी हुई काली मिर्च आधी हरी चम्मच, 1 चम्मच सुरह मिर्च और 1.5 सुरह मिर्च और 2 चम्मच जो नमक है हमारे पास। ये गया, अब इसको अच्छे से भून लेंगे और आपका जो साग है वो तैयार हो जाएगा।
देखें ये सारा कैसे बना हुआ पहले से। तो बस इसमें कुछ नहीं हम डालेंगे, कुछ लोग डालते हैं बेसन है, आटा डालते हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्रोकली है, पालक है, शिमला मिर्च, घी और जो मसाले दो तीन है बस। साग जहर है वो तो हो गई ना जी। सो साग हो गया हमारा तैयार, देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा। आग को बंद कर देते हैं, इसको करते हैं डिस्चार्ज और टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। देखें सो इसको टेस्ट करते हैं अभी साग को। ताजी रोटी साथ में बहुत ही मजे का है। और ये फ्रोजन है, शॉप रेस्टोर से मिलेगा आपको यहाँ पे अमेरिका में, बाकी कहीं भी नहीं मिलता साग फ्रोजन आपको। ये फ्रेश होता है लेकिन उन्होंने पैकेट किया होता है। सो अगर कहीं मिले तो ट्राई करें इसको, बहुत जबरदस्त है। सो इफ यू लाइक द वीडियो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।